सीएडी ने रबी सीजन की फसलों की पलेवा के लिए दाई मुख्य नहर में किशोरपुरा हेड से पानी छोड़ दिया है। नहर में पानी छोड़ने से पहले अधिकारियों ने पूजा अर्चना की है। ये पानी मार्च अंत तक चलेगा। इससे राजस्थान में मध्य प्रदेश के किसानों को फायदा होगा। हालांकि पिछले दिनों संभाग में बारिश हुई थी, ऐसे में पानी की जरूरत नहीं है। वही 1 नवंबर से मध्य प्रदेश ने पानी की डिमांड की है। एमपी को पार्वती हेड से पानी दिया जाएगा। इससे पहले नहरी टेल इटावा क्षेत्र के किसानों को सरसों की बुवाई के लिए पानी दिया जाएगा। इसके लिए नहर की इटावा ब्रांच में पानी छोड़ा जाएगा। 2022-23 के लिए हमने ये जो चंबल की दो नहरें निकलती हमारे दाई मुख्य नहर और बाई मुख्य नहर, तो आज उसका उद्घाटन कर दिया है हमने। रबी फसलों के लिए आज इसमें पानी की शुरुआत कर दी है और धीरे धीरे इसको हम इसको फुल करेंगे। तो ये राजस्थान के 124 किलोमीटर तक तो दाई मुख्य नहर बहती है, जिसमें 1,29,000 एरिया में तो ये हमारे दाई मुख्य नहर सिंचित करती है, 1,02,000 में वो करती है। इस प्रकार से ये लोग 2,29,000 में चंबल की सिंचित नहर है राजस्थान में, और उतना ही ये मध्य प्रदेश में सिंचित करती है। तो हमने आज इसमें जल प्रवाह कर दिया है और बांधों में पर्याप्त पानी है, किसानों को कोई कमी नहीं आने देगी पानी की। जैसे हम डिमांड रहेगी वैसे वैसे हम पानी देते जाएंगे। अभी तो शुरुआत करी है, 150-200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उसकी पूरी क्षमता हमारे लगभग 6,500 के आसपास है। वैसे तो 6,500 की लगभग क्षमता है इसकी, लेकिन उसको 6,500 के आसपास रखते हैं। इसमें छोड़ा है पानी तो, और उसकी जैसे डिमांड आएगी वैसे उसमें पानी छोड़ देंगे। इसमें हमने ये कहा है कि हमारे जो भी अधिकारी हैं तो पहले शुरुआत में ये पानी टेल क्षेत्र में पहुंचा जाए और बाद में फिर हेड क्षेत्र में पानी करेंगे, अधिक अधिक भ्रमण करेंगे क्षेत्र का, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि